आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आज बेगानी शादी में मठविंदा रोपी भीख मंगिया जा रहा है। यो बॉय, अस्सलाम वालेकुम। तो कई फलहाल गरीब हो तो यार वेलकम बैक हो गया, वेलकम बैक हो गया एक दफा फिर मेरी और भीख मंगेगी एक दफा फिर से न्यू व्लॉगी में। तो यार गाइस सीन ये है कि आप लोगों को पता होगा बहुत दिनों से हम कह रहे थे वेडिंग क्रैश करनी है, फाइनली वक्त हुआ चाहता है। आए आए आए, दुआ करो सही सलामत जिंदा वापस घर आ जाइए, नहीं तो घरों बड़ी कुट पैनी जी। वैसे भी यार मच्छी का सीजन ही खत्म हो रहा है, मछली सारी मार्केट से खत्म हो रही है, तो मैंने सोचा कि अभी सर्दियां एंड हो रही है तो फटाफट मच्छी की मौजूदगी में ना यो मोलो पो तारा रारा भाली पम पम हम कर लें। बात सही है। सनात भाई सुनाओ क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो, कैसे हो? साबन लगा यार, पक्की गल तू समझा, साबन ही है तू की समझना पे भाई। रेडियो सनात भाई अगर कुट शूट पड़ गई तो फिर नहीं पेंदी ओ ही ना है सानू टा दा कुत्तरा मारूंगा। एक चीज की कमी रह गई है सनात भाई। कौन सी? इधर आओ बता, इधर आ, इधर रुको, ये चेक करो। शू साडे जिहा पुत मावी कदे कदे जम आओ ना ना करंगा ता जवानी केड़े कम दिया गल्ला। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पीछे केड़ी समय वाली बर्बादिया ढोके जट बंद फी हाय हाय हाय। लेट्स गो ब्रो। तो यार बाबा जी जुगाड़ हमने एक ये लगाया कि मेरी पैंट जो थी ना इसके साथ जो इसके साथ मैच हो रही थी वो इसने पहन लिया है। क्यों पहनी है तू? इसने इस वजह से पहनी है कि इसको अपनी जो है ना छोटी हो गई है, तो मैंने कल वाली मैं क्या चलो आओ, मैंने जो कल पहनी थी ना जो गुजरात पहन गया था वही पैंट है। जरा सी ये पता नहीं भूसी टाइप है लेकिन चलेगी। लेट हो गए हैं, वही ना 8 बज गए कि होटल ही ना मिले, घर भी वापस भी आना है, घर कह के 10 बजे तो पहले घर होना है। बिलागी का सानू नहीं पता बने कि ना बने। वेब भी साथ ले जाते हैं, आज मैं ये वाला लेके जाऊंगा क्योंकि यार इसको यूज ही नहीं किया है कितने दिन हो गए हैं, तो वही ना हो जाए आराम ना हो जाए। फ्लेवर पढ़ लेने फटाफट निकलने लगे हैं यार। बोस हम इधर ही खड़ी कर रहे थे, उसकी वजह यह है कि वो दूसरा मकान भी बन रहा ना सामने, तो बोस अंदर वारी नहीं थी रही। तो यार निकल आए हम, चेक करो मैं और सनात पीछे बैठे हुए हैं, आगे भाई बैठा है, साथ कजन बैठा है, इनको भी साथ लेके जाने लगे हैं। वजह ये है कि यार हमें कुट छूट पड़ गई, कोई भी हादसा भी हो सकता है तो फिर इकट्ठे होंगे ना, तो फिर जरा समझ रहे हो सीन हैंडल हो जाए। कौन सा मैरिज हॉल यू वांट टू चूज ब्रो? सरूर वाली साइड पे जाना है। चलो मैं खोल आवाज से खोल थोड़ी। सनात भाई कौन सा मैरिज हॉल में जाना है? एक है ये, एक वो पानी उधर जाने के थी और में यार अभी हम पास ही ढूंढ रहे हैं, कोई पास ही कोई मिल जाए ना भी अच्छा था। दो पीछे गुजरे हैं लेकिन उधर एक तो वैसे ही बंद है, एक में भी राशि नहीं, पता ही नहीं फंक्शन कितने बजे आते हैं। आया मेरे हाल में फैक्ट्री है कि मैरिज हॉल है यार? ये एक आया है, चेक करते हैं अंदर, रश तो इधर लग रहा है। एक और हमारे पास ऑप्शन है, एक पीछे बिल्कुल इसके पीछे एक और है साधक वान, और ये कसरे सलीम है कोई पता नहीं, चेक करते हैं यार। सनात भाई बी कॉन्फिडेंट एंड नेवर, टेंशन ही लेनी है, जो किस्मत लिखे होएगा। वैसे एक बात है, अगर उन्होंने पूछा कि दुल्हन की तरफ सोई है, दूल्हे की तरफ सो क्या कहना है? असि दूल्हे दे कजन कही अही ढोला वाले जुआ है कहना राम जिया। वो प्राडो पे आया थे क्योंकि आपको पता है ना कि वो दूल्हे वाली साइड पे आए थे, तो जरा प्रोटोकॉल के साथ आना पड़ेगा। चलो आओ सनात भाई अंदर चलते हैं, अंदर क्या पूनम पीतर हो रहा है यार, गाने जाने लगे हुए हैं, एंट्री आपके भाई की बिल्कुल पहाड़ों के साथ हुई है क्योंकि ड्रेसिंग भी माशाल्लाह इतनी नाइस है। आपका अपना ही है ना ये, आपका फंक्शन है? अच्छा दोस्त है ना, अगर कोई मसला हुआ ना फिर आपके पास आऊंगा भाई। कह रहे हैं बड़ी सोच मार गई है, ड्रेसिंग की वजह से कोई पकड़ ही नहीं रहा अभी इस नाथ को, बाद में लेके जाने लगे। क्या हुआ है नाथ भाई, वाल राब हो गए ने? चलो यार हमारा फोटो सेशन हो गया, इधर वाशरूम में अंदर आए थे तो आज यार फोटो सेशन दूल्हे को भी तो मिलना है ना यार, वो दोस्त है तुझे पता है कितना सगा दोस्त है यार। ये वलीमा
पता चला है कि वलीमे की सेरेमनी है, तो ये दूल्हे वाले की सारे सिस्टम ना लेडीज की तरफ में ज्यादा फोकस नहीं जा रहा। चेक करो यार, इतनी आवाम है, इतनी आवाम है, अपने भाई का लेवल चेक करो, सबसे आगे बैठे हैं, सबसे अगले वाले सोफे पे ये मौलवी साहब बैठे ने, पता नहीं है निकलते आज है नहीं है मौलवी साहब, कौन है मच्छी कौन है, मच्छी खाएंगे ब्रो, मच्छी ब्रो, गाने शाने लगे हुए हैं, लाइटें शाइट इन्होंने बंद कर दी हैं अभी क्योंकि एंट्री करने लगे हैं दूल्हे और दुल्हन की। माशाल्लाह यार एंट्री जो हुई है ना बड़े अच्छे अंदाज में हुई है, पता लगता है कि पैसा लगा है। प्यार हुआ है उस रात भाई कभी, प्यार हुआ है कभी नहीं हुआ। ले ले भाई ले, सूप आया यार, ये स्पेशल तैयार करवाया था क्योंकि कल जब मैं आया था ना इधर तो उनको बोला था कि जो स्टार्टर है की मार देते हैं, चाकी चाकी नहीं भाई, उनको ये बोला था कि जो स्टार्टर है वो सबसे ज्यादा स्पाइसी हो और टेस्टी हो, खाओ खाओ। अच्छा फाइनली यार रोटी पीने का टाइम हो जाए, लास्ट तक मैं आपको गिनाऊंगा कि कितनी डिशेज खाई है मैंने। सही है, खाओ खाओ सनात भाई, बड़े मजेदार है। अब पैसे पूसे बारे बिल सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस खान वास्ते। बात सही है, सूप डन, अभी बहुत गुंजाइश है ब्रो, बहुत गुंजाइश है। अभी अभी आए हैं कबाब, और हमारे लेफ्ट साइड पे जो बंदा बैठा हुआ है ना उसको जुड़मुड़ हो रही है, वो कह रहा है कि पहले खाना खाओ वीडियो बाद में। नाथ भाई क्या खा रहे हो? दूसरी डिश आई है कबाब, तीसरी डिश आ गई है हमारे पास नगर्स। ओए हो, थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फ्राई फिश है। कभी भी आप खाता है तो यार मसला थोड़ा सा ये हो गया था, हम वीआईपी टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, ऊपर से वीआईपी बंदे आ रहे थे, अगर मैं बहुत ही प्यार से सच बोलूं तो सानू ना बैठा हरिया साड़ी जगह तो। लो जी चौथी डिश है हमारे पास, ये उसके बाद गाजर हलवा हमने खाया, गुलाब जामुन भी था लेकिन वो नहीं हमने खाया, और मजे के बाद सैलड भी था लेकिन वो भी हमने नहीं खाया है। खाना जाना हमने खा लिया यार, मजा बहुत ज्यादा आया क्योंकि हम ना दो तीन दिन पहले ही आए थे मैं और सनात, हमने इनको बोला था कि खाना शाना सही टाइट करके बनाना। दूल्हा इधर है, दूल्हे से मिलते हैं, वो जा रहा है, दूल्हे से मिलवाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कंग्रेचुलेशन, एक फोटो बनानी है। आवर मिशन इज डन ब्रो, लेट्स गो ब्रो। ओए ओए सनात भाई ढिड में गुड़ गुड़ होने लग गया, खाद ही बड़ा है भाई, एंड लेवल तू नहीं जाने, तू नहीं जाने। लो जी कटो बॉस, की हो ऐसा जी? कुछ नहीं सर, ता ये क्या को प्राइस ताड़ियां ता अल्लाह तान सेहत तंदुरुस्तियां दे ता ला काम जा। आमीन आमीन, तुसी सा देखो पैसा नजर आ तेरा, असी आप चोरी ब्याह खा गए हैं तो नहीं से सरकार, सही गल दे तू ही ताडे को मांगदे हो ना, लग सदा खुश रखे तानू अल्लाह, रब तानू प्रडवा दे, रब साडी दुआ है। आ सूटा लाओ सदके ना प्राइस चल जाएगा, रह जा ना ना, तुसी लगाओ भाई, हम नहीं लगाएगा इसका। आपके लिए नस्वार हजम हो जाएगा। नाग भाई वो तो गाना आपने लगाया ही नहीं जो लगाना बनता था, जट का मुकाबला भाई साहब आ गए, शमीरू शमीरू पैर ना जाइए। चेक करो यार, बॉस ने हमारा बहुत साथ दिया, बाइक पे भी हम जा सकते थे, बॉस को चलो अलविदा तो कह देते हैं, इधर ही बाइक पे भी जा सकते थे लेकिन बाइक पे फिर दिन वाला इवेंट था, ये जस नहीं थी आनी है आप लोगों को, ये बॉस ने जस कराई है, तो बिग शाउट टू यू बॉस, लाफ दरवाजा खुलवा, कार वाड़ लेंगे हूँ।
ਬੜਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਏ ਆਏ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਆਇਆ ਸੁਣਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲੀਪਰ ਤੇਰੇ ਧੁੰਮ ਪਾੜ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਪੂਲ ਸੈਟ ਤੇ ਪੂਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਤਾ ਆਓ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਦੇ ਹਾਂ तू समझा ओए ओए थक गया यार गाइस मजाक नहीं करा पेट में दर्द शुरू होने लग गया ओए ओवर ईटिंग की है मैंने पता है क्यों क्योंकि मैं घर से भी पहले चावल खाया फिर मैं दो तीन जो है ना रसगुल्ले खा गया था ओए होए 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 अपने रूम में आए हैं यार अभी जो है ना मैंने कहा चलो इंस्टाग्राम वालों को भी बता देते हैं कहीं कारनामा की करके आए हैं एक बात वैसे यार बता दूं जिसका भी मूड होगा ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए वल्लाह एक एक्सपीरियंस बात की है आज अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी है ना कोई बंदा नहीं पूछता है सात तीन अखा का मोबाइल भी तो है सी ना नाल उलो लो 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 मीनवाइल गणेश साहब की होया जे गंजा लग रहा था उसकी वजह ये था मैं शैम्पू नहीं था करके आया गंजा नहीं आया मैं आहो तो यार नेक्स्ट इस तरह कहाँ मरे मतलब के कहाँ घुसे इस दफा तो छाती में घुसे थे ना तो मजे मजे इस तरह की डेट जो है ना कमेंट में बताना तो ठीक है ये वाली व्लॉगी मैं इधर ही नहीं करता हूँ लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना यार बहुत मेहनत होती है पहले इस तरह कंटेंट बनाओ फिर उसको एडिट करो कमेंट करके अप्रिशिएट भी कर देना मिलते हैं आपको अगली व्लॉगी में तब तक लिए अपना यार रखो अपना वाली बच्चों के यार रखो अपना बाबू चो ना कर ध्यान गरीबों पैदा हुआ तब से ही मैं आजा मेरी।